किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारी दिल्ली पहुंचे थे, जिनकी गिरफ्तारी की गई। इसे किसानों में आक्रोश है। खरगोन जिले के किसान महासंघ ने विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। इस दौरान संघ ने बताया कि कोरोना काल में केंद्र सरकार ने जो तीन काला कानून बनाया उसे वापस लिया जाए। किसान विरोधी नीति के विरोध में संघ ने आगामी दिसंबर में उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आपको बता दें कि देश में किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है, इसके विरोध में किसान अब सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन की तैयारी कर रहा है। केंद्र सरकार कानून लाकर किसान हित की बात कह रही है, जबकि व्यवस्था को लेकर किसान उसे काला कानून बता रहा है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। काला कानून केंद्र सरकार ने कोरोना काल के उसमें एक तीन काला कानून जो किसान विरोधी कानून है उसको लागू कर दिया। एक उसके विरोध में हमारे किसान भाई दिल्ली गए, हमारे जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष कक्का जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय और हमारे जो संगठन के सारे मध्य प्रदेश के जो मजदूर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के जितने लोग हैं, दिल्ली में गुरुद्वारे के पास गिरफ्तार कर लिया गया। हमारी ये मांग है कि किसान अपनी मांग को लेकर अगर दिल्ली जा रहा है तो उन्हें सरकार दबाती क्यों है, कानून के जरिए क्यों दबाती है, सरकार आखिर किसानों से डरती क्यों है, जब सरकार ही वादे करती है और सरकार किसानों के वादों को निभाती क्यों नहीं है। हमारे कृषि मंत्री, कल मैं एक टीवी चैनल देख रहा था उसमें हमारे कृषि मंत्री इतना झूठ बोल रहे थे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही किसान की फसल बिक रही है। मैं ये कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपका एक भी व्यक्ति, आपके कार्यकर्ता, आपके एक भी व्यक्ति, आपके सरकार का नामुंदा कोई भी है खरगोन मंडी में आके कह दे कि समर्थन मूल्य पर किसान की फसल बिक रही है तो हम आप टीवी डिबेटों में झूठ बोलते हो, आप देश के कृषि मंत्री हो, प्रधानमंत्री जी भी झूठ बोलते हैं कि 2022 तक आय बढ़ा देंगे, कैसे आय बढ़ेगी? आप ये तो बताएं कि किसानों को 1850 रुपए की मक्का 1200 रुपए में खरगोन मंडी में बिक रही है, किसानों का कपास जो समर्थन मूल्य से काफ़ी कम बिक रहा है, सेगा अभी CCI काफ़ी कम खरीदी कर रही है, CCI साठगांठ करके खरीदी कर रही है, तो कैसा कृषि मंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। और किसानों के बलबूते पर हम किसान भाइयों ने उन्हें वोट इसलिए दिए कि किसानों का हित करेंगे, लेकिन न जाने क्यों अभी फिलहाल में सरकार बनी, हमारे शिवराज सिंह जी अब किसानों की बात ही नहीं करते। जो कहते थे 2100 में तो मैं मिट्टी खरीद लूँगा, अरे 1400 और 1500 रुपये में किसान का आज गेहूँ बिक रहा है, 2100 में मिट्टी खरीदने वाले आज बोल नहीं रहे। हमें कभी कांग्रेस समर्थित बता देते हैं, कभी हम कांग्रेस का विरोध करें तो कांग्रेस वाले हमें भाजपा समर्थित बता देते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर किसान के हित की बात करते हैं, 130 करोड़ जनता का पेट भरने वाले किसान अगर अपने हित की लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसका जनता समर्थन करना चाहिए, सरकार ने भी उनकी बात को समझना चाहिए कि वास्तव में किसान परेशान है तो उनको समझना चाहिए। आप किसी अन्य मुद्दों पे भटकाते हो, बड़े बड़े चैनल की मैंने डिबेट में देखी, बड़े बड़े चैनल उन्हीं के राज्यसभा सांसद वगैरह के चैनल है और उनमें किसानों को कभी गुंडा बता देते हैं, किसानों को कभी बदमाश, ये तो गुंडे हैं, असली किसान खेतों में। अरे भैया, किसान खेतों में भी और किसान सड़कों पर भी और किसान दिल्ली में भी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।